स्वागत है। ग्रामर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक टेंसेज की आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। टेंसेज में पांच महत्वपूर्ण बातें होती हैं, टाइम ऑफ एक्शन, स्टेट ऑफ एक्शन, टेंस की पहचान वाले शब्द यानी एडवर्बियल्स, उस फॉर्म के यूजेज और टेंस की फॉर्म। एक एक टेंस को पढ़ाते हुए हम इन पांच बिंदुओं को लेकर के टेंसेस को एक्सप्लेन करेंगे, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। आप सभी जानते हैं कि टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का यूज होता है। अंग्रेजी में 24 ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जिनको आप यहाँ ग्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं। इन ऑक्सिलरी वर्ब्स को हेल्पिंग वर्ब और मॉडल्स कहते हैं। जब ये टेंस में हेल्प करती हैं तो इनको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, और जब ये मूड को व्यक्त करती हैं तो इन्हें हम मॉडल्स कह देते हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स की जब बात कर रहे होते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब्स की बात कर रहे हैं, मॉडल्स की बात कर रहे हैं। सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि जैसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बी की फॉर्म इज एम आर हेल्पिंग वर्ब होती है, पास्ट कंटीन्यूअस में वाज वर्ब हेल्पिंग वर्ब होती है, प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट में अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। 12 फॉर्म्स होती हैं, 4 प्रेजेंट की, 4 पास्ट की, 4 फ्यूचर की। 12 फॉर्म्स में से 10 टेंसेज में हेल्पिंग वर्ब लगी हुई होती है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट में अफर्मेटिव सेंटेंसेज में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। जब नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी, ऑक्सिलरी वर्ब की जरूरत पड़ेगी। इसलिए 24 ऑक्सिलरी वर्ब्स को 24 फ्रेंड्स ऑफ नोट ये भी कहा जाता है कि नोट अकेला नहीं आता है। इन 24 ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, इनमें से किसी के नोट लगता है। आप सब जानते हैं डू नोट, डज नोट, डिड नोट, हैव नोट, हैज नोट, हैड नोट, विल नोट, कैन नोट, मे नोट, मस्ट नोट, शुडंट, कुडंट, कुड नोट या कुडंट। ये नोट अकेला नहीं आता, इसलिए इनको ऑक्सिलरी वर्ब्स को नोट के 24 फ्रेंड्स भी कह देते हैं। तो ये जानकारी सबको होनी चाहिए, क्योंकि जो ये पांच बातें मैं जिनकी चर्चा कर रहा था कि प्रत्येक टेंस की वर्ब की फॉर्म क्या होती है, तो उसमें फॉर्म में आपको हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब इनकी जरूरत पड़ेगी। तो मेन वर्ब्स होती हैं उसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म का नाम प्रेजेंट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है वो पास्ट फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म है वो पास्ट पार्टिसिपल। आज हम टेंसेज की शुरुआत बिल्कुल एक सरल इजी जो टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उससे हम शुरुआत करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो टेंस को पढ़ाते समय मैं इन पांच जो बात है इनके बारे में थोड़ा सा पहले चर्चा करूंगा। टाइम ऑफ एक्शन, एक्शन शब्द काम में ले रहा हूँ, जिसे आप क्रिया कहते हैं, वर्ब कहते हैं, वर्ब के लिए मैं एक्शन शब्द काम में ले रहा हूँ, क्योंकि ये सारे वो वर्ड्स हैं जिनमें कोई ना कोई एक्शन होता है। जैसे रन, रन में भी एक्शन है, टीच, टीच में भी एक्शन है, मेक, बनाना, वांट, चाहना, इन सब में कोई एक्शन होता है, इसलिए वर्ब्स को एक्शन वर्ड्स कहते हैं, यानी एक्शन वर्ड्स ही वर्ब्स होती हैं। तो टाइम ऑफ एक्शन, कोई भी एक्शन है, कोई भी क्रिया है, उसके तीन टाइम होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। दूसरा महत्वपूर्ण बात है स्टेट ऑफ एक्शन, कोई भी क्रिया है, कोई भी कार्य है, वो चार स्टेट में होता है। स्टेट से तात्पर्य उसकी दशा क्या है। स्टेट ऑफ एक्शन क्रिया काम है, क्रिया काम कार्य जो है वो किस दशा में है। जैसे वो जारी रहने की स्थिति में है, वो पूर्ण होने की दशा में है, वो कुछ पूर्ण है, शेष जारी है, यानी कि कब से या कितने समय से कोई कार्य जारी है। और कुछ ऐसे भी होते हैं
जिनमें कार्य की जो दशा है, स्टेट है, वो कुछ पता नहीं चलता है, उसे इंडेफिनेट कहते हैं, इसको सिंपल टेंस भी कह देते हैं। तो एक एक करके जब बताएंगे तो आपको ठीक से समझ में आएगा कि हाँ ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, क्योंकि बालकों को कई बार टेंसेज में ये पहचान वो बता दी जाती है हिंदी में, जैसे रहा है, रही है, गा गेगी या था थे थी, जबकि इंग्लिश के पेपर में कहीं हिंदी का एक वर्ड भी नहीं हुआ होता है। वो चीज़ें आपकी कोई मददगार नहीं होंगी, वो ट्रांसलेशन में आपकी मदद कर सकती हैं, लेकिन टेंसेज के सवाल अटेम्प्ट करने में वो चीज़ें आपकी मदद नहीं करेंगी। इन पांच बातों को आप ठीक से समझ लेंगे तो एग्जाम में करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स का जो क्वेश्चन आता है, जैसे क्लास टेंथ में सेक्शन सी में 8 टेंसेज के क्वेश्चंस होते हैं 4 अंक के, तो उनमें आपको बड़ी आसानी रहेगी। तो टाइम ऑफ एक्शन कि वो कार्य है वो कब का है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर है, वो जारी रहने वाला है, कंटिन्यू या पूर्ण होने वाला है, परफेक्ट कब से जारी है या कितने समय से जारी है, परफेक्ट कंटिन्यूस, और एक जिसमें कार्य की दशा का निश्चित नहीं है, डेफिनेट नहीं है कि वो जारी है या पूरा है, उसको इनडेफिनेट करते हैं। तो स्टेट ऑफ एक्शन क्या है, टेंसेज की पहचान, टाइम एडवर्बल्स होते हैं जैसे नाउ, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर, ऑलवेज, नेवर, यूजुअली, ऑलरेडी, जस्ट, टुमारो, ये सब टाइम एडवर्बियल्स हैं। तो टाइम एडवर्बियल्स के द्वारा हमें टाइम का पता चल जाता है, जो ऊपर बात लिखी है उस टाइम ऑफ एक्शन का। यूजेज, कोई भी टेंस है उसकी जो फॉर्म है उसके यूजेज क्या हैं, वो एक एक टेंस को जब लेंगे तो आप उसको बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। और टेंस की फॉर्म, तो आज हम शुरुआत करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से। टेंसेज में 12 फॉर्म होती है, ये एक्टिव फॉर्म होती है और 8 पैसिव फॉर्म होती है। जब टेंसेज की बात कर रहे होते हैं तो हम 12 एक्टिव फॉर्म्स की बात कर रहे हैं। तो लोग आज शुरुआत करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। आधार पर अब हम लेकर के चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। सबसे पहली बात तो उसकी फॉर्म क्या होती है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की फॉर्म। अब मैंने कहा कोई भी टेंस है ना, 12 टेंसेज हैं, 12 फॉर्म्स हैं, 12 में से 10 में हेल्पिंग वर्ब होती है, केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव सेंटेंसेज में नहीं होती है। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स जब ये टेंस में हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं तो इनको हेल्पिंग वर्ब कह देते हैं, और जब ये मूड को बतलाती हैं तो इन्हीं को मॉडल्स कह देते हैं। यहाँ जो 11 और 13 देखते हैं, 11 ये हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं, और ये सेल, विल, कैन, मे, मस्ट, नीड, डेयर, यूज टू, ओट टू, शुड, वुड, कुड, माइट, ये मॉडल्स हैं। सेल विल फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब भी हैं और ये मॉडल्स भी हैं, सेल और विल, बाकी सब ये मॉडल्स हैं। जब मॉडल्स का अलग से चैप्टर पढ़ाएंगे तब हम इसकी चर्चा करेंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की फॉर्म, इसमें बी की फॉर्म, ये इज, एम, आर, दोज, वर, ये बी की फॉर्म है। बी बी माने होना, ये बी इज, एम, आर, ये बी की प्रेजेंट फॉर्म है। वॉज, वर, ये बी की पास्ट फॉर्म है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो फॉर्म होती है इज, एम, आर, ये हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म है उसके आईएनजी लगा होता है, फर्स्ट फॉर्म के, प्रेजेंट फॉर्म के। कई बार आपके बुक्स वगैरह में होगा वी प्लस आईएनजी, इसका अर्थ भी यही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आईएनजी लगा रहता है। कंटिन्यूअस टेंस, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, मेन वर्ब में आईएनजी होता है। आईएनजी होने का मतलब ये कंटिन्यूअस टेंस की ये पहचान होगी। हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होती है, सभी टेंसेज में मेन वर्ब जो है वो सेम होती है, इनमें हेल्पिंग वर्ब
अलग अलग होती है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, फिर वर्ब के आई, मेन वर्ब के आई एन जी। पास्ट कंटिन्यूस में वॉज वर्ब, फिर वर्ब के आई एन जी है। और फ्यूचर कंटिन्यूस में शैल बी, विल बी प्लस वर्ब के आई एन जी। यानी कि मेन वर्ब सभी की एक होती है। क्यों? उसमें स्टेट ऑफ एक्शन है वो सबका एक ही है, कार्य का जारी रहना, जारी है, जारी था, जारी रहेगा। वो तीनों प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस हो जाते हैं। तो ये होगी फॉर्म। अब इसमें बिंदु संख्या एक, टाइम ऑफ एक्शन। इसमें टाइम क्या होता है? कोई ये जो क्रिया है, कार्य है, उसका टाइम। तो ये टाइम इसमें प्रेजेंट होता है और रियल प्रेजेंट होता है, बोलते समय। वेल टाइम ऑफ स्पीकिंग जो है, अब इस समय जब हम बात कर रहे हैं तब कोई कार्य जारी है। बहुत सारे इसके उदाहरण हैं, जैसे मैं खड़ा हूं तो आई एम स्टैंडिंग। आप टेंसेस सीख रहे हैं, यू आर लर्निंग टेंसेस। इसी प्रकार से पक्षी उड़ रहे हैं, द बर्ड्स आर फ्लाइंग। बतख तैर रहे हैं, द डक्स आर स्विमिंग। बिल्ली चूहे के पीछे दौड़ रही है, द कैट इज रनिंग आफ्टर द रैट। ये सारे इसके एग्जांपल्स। कौन क्या कर रहा है, तो ये इसकी फॉर्म होगी, ये इसके एग्जांपल्स हो गए। दूसरा स्टेट ऑफ एक्शन, इन्हीं बिंदु के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। टाइम ऑफ एक्शन, जो कार्य अब इस समय बोलते समय जब हम बात कर रहे हैं उस समय की बात हो रही है, यानी प्रेजेंट की बात हो रही है। स्टेट ऑफ एक्शन की, जो कार्य जारी है, एक्शन इज गोइंग ऑन, जो प्रोग्रेस में, इसीलिए कंटिन्यूअस टेंस को प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, क्योंकि इसमें जो वर्ब होता है वो प्रोग्रेसिव होता है। जैसे आप टेंस सीख रहे हैं, इसका मतलब टेंस सीखने का काम जारी है, प्रोग्रेस में है, चल रहा है। और मैं खड़ा हूं तो खड़े होने का कार्य जारी है। तो ये जो कार्य जारी है इसमें स्टेट ऑफ एक्शन हो गया। पहचान वाले शब्द, तीसरी बात बताई थी, प्रत्येक टेंस में इन पांचों बिंदु को लेकर के चलेंगे। पहचान वाले शब्द, ये परीक्षा में जो टाइम एडवर्बियल्स है ये आपकी बड़ी मदद करते हैं। आप भले तो इस साल का 2020 का इंग्लिश का पेपर भी 10th क्लास का देखेंगे तो बहुत सारे सवाल, 8 में से 5 सवाल आपके इन पहचान के आधार पर सही हो जाएंगे। जैसे पहचान इसकी होती है नाउ, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, दीज डेज, नाउ ए डेज। ये वो शब्द है जो इस टेंस में काम आते हैं, इनको टाइम एडवर्बियल्स बोलते हैं। कोई पहचान होगी, इन शब्दों को देख करके आप देख ये डिसीजन ले लेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आना है एंड इज एम आर प्लस वर्ब के आईएनजी लगना है। यूजेस मतलब ये जो फॉर्म है इज एम आर प्लस वर्ब के आईएनजी, इसको कब कब काम में लेते हैं। पहला इसको यू, जो कार्य अब जारी है। जरूरी नहीं कि वो अब जारी है, लेकिन एक टाइम पीरियड में कोई काम हो रहा है। जैसे आजकल हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, ये बोलते समय जरूरी नहीं है कि बोलने वाला उस समय हो ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूं, लेकिन आजकल यानी पहले शुरुआत हो चुकी है और आगे भी ये कार्य होता रहेगा। ये जैसे कोई ये कहे कि मैं तो आजकल नॉवल लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग ए नॉवल दीज डेज, इन दिनों में नॉवल लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब इस समय जो वो बोल रहा है वो रियल टाइम पर नॉवल नहीं लिख रहा है, लेकिन उस पीरियड ऑफ टाइम में उसका कार्य जारी है। तो ये इसके यूजेज हो गए। इस प्रकार से फॉर्म शुरुआत में ले चुका हूँ। अब प्रत्येक टेंस को नेगेटिव
और इंटीग्रेटेड नेगेटिव बनाने की बात हो रहा है, दो तीन एग्जांपल्स भी आप होमवर्क के रूप में ले सकते हैं। मम्मी चाय बना रही है, पापा अखबार पढ़ रहे हैं, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, इन तीनों की आप इंग्लिश बनाने की कोशिश करें। अब मैं इनको नेगेटिव कैसे बनाते हैं आप सब जानते हैं। अभी पहले कहा था 24 जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं ये 24 फ्रेंड्स हैं नोट के, यानी कि नोट इन्हीं के लगता है। नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब चाहिए, ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए, जैसे दे आर वॉचिंग टीवी, वे टीवी देख रहे हैं, ये हो गया। दूसरा, मैं आहोर जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू आहोर। अब इनमें नेगेटिव कैसे बनाएंगे, जो हेल्पिंग वर्ब है उसके नोट लगा दें। दे आर वॉचिंग टीवी, दे आर नॉट वॉचिंग टीवी, आई एम नॉट गोइंग टू आहोर। तो ये हो गया नेगेटिव, हेल्पिंग वर्ब के नोट जोड़ दो। इंटरोगेटिव बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत कर देते हैं यस नो टाइप क्वेश्चंस में, जैसे इसमें आर दे, आर दे वॉचिंग टीवी, इसी तरह से आर यू गोइंग टू आहोर, ये हो गया इंटरोगेटिव हो गया। तो आज के लिए हम इतना ही लेते हैं, मैं एक्सरसाइज के रूप में आपको कुछ सेंटेंसेस दूंगा जिसमें आप इनकी करेक्ट फॉर्म बनाएंगे। थैंक यू।